हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड मनाटी। मैं मनीष। मैं काजल। दोस्तों, हमारी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल क्या कर रहे हो आप लोग? अरे, आप क्या कर रहे हो? मैं दो ही चीजें, लूडो और रामायण। ओह नो, क्या हर कोई घर में अपने रामायण देख रहा है या लूडो खेल रहा है? हाँ, जिसको देखो बस दो ही चीजें है, रामायण बड़ों के लिए रामायण। नहीं, बच्चे भी देखते हैं रामायण। हाँ, मतलब अब तो पापा मम्मी के साथ तो सभी देख रहे हैं, मेरा आजकल तो वो मजा भी आ रहा है रामायण देखने। oh, no! और दूसरी चीज है जो बच्चे खेल रहे हैं आजकल, वो है लूडो। नहीं, बड़े लोग भी खेल रहे हैं लूडो, मेरे पेरेंट्स भी खेल रहे हैं। ऐसे तो मेरे पेरेंट्स भी पूरा वक्त लूडो खेलते रहते हैं दोस्तों। मतलब मेरे घर में मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग इवनिंग और मॉर्निंग में, जनरली हम लोग रात में और मतलब सुबह में, जब ये ऑनलाइन लूडो आया ना, इसमें मजा ही आ गया। दोस्तों को बुलाया, आ रहा है लूडो में, रिक्वेस्ट भेजी और ज्वाइन कर लिया। और इस लूडो को सबसे बेनिफिट पार्ट क्या है दोस्तों? चीटिंग नहीं हो पाती है। लूडो खेलते हो, बट जो ऑनलाइन जब से लूडो आया, चीटिंग नहीं हो पाती। अब बंदा को गेम छोड़ के भी जाना चाहिए ना, कहते भाई तू जा, तू लास्ट आएगा। एग्जैक्टली, छोड़ने के बाद अब वैसे भी हार जाओगे, तो इससे बेटर है खेल लो। खेल लो। और भाई अगर चीटिंग की बात करें ना, तो मैं सच में गेम में बहुत बड़े चीटर रहती हूँ। बहुत चीटिंग हो जाती थी। मैं सामने वाले की गोटी छोड़ देती थी, ये सोचती थी, उससे बोलती थी अब तू ना मेरी पक्की गोटी छोड़ दी, मैंने तेरी दो कच्ची गोटी। यार चीटिंग किस किस हिसाब से नहीं होती थी? वो पांच आते थे तो छह स्टेप चल देते थे आगे, चार आते थे तीन स्टेप आगे चल देते। सबसे फनी बात आजकल के लोगों की देखा है, वो अपने आप गोटी टुक 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 करके भाग जाती है। सबसे फनी पार्ट पता है क्या? मतलब गोटी होती है स्टार्ट पे, वो ना सीधे लाल करने के अंदर ले आता है, पता ही नहीं चलता जिसकी नजर नहीं होती। भाई तेरी कबाई लाल के अंदर, पता नहीं इतनी दूर से लेकर आया हो। तो दोस्तों, इसी बात आपका होस्ट और दोस्त मनीष आपके लिए एक वीडियो लेकर आया है। वीडियो का नाम है टाइप्स ऑफ लूडो प्लेयर। हाँ, और ये हर्ष बेनीवाल की एक बहुत ही अमेजिंग लूडो वीडियो है। एंड इसके अलावा, इसके लिए हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें रिक्वेस्ट किया, जिनमें से एसके जी, राकेश जी और श्याम जी ने तो बिल्कुल भर भर के टेक्स्ट कमेंट कर दिया। इवन आयान का भी टेक्स्ट आया था कि यार इस वीडियो पर रिएक्ट करो। तो दोस्तों, इसलिए हम लोग आपके लिए रिएक्शन वीडियो लेके आ गए हैं हर्ष बेनीवाल की। आई होप आप सबको पसंद आए। चलिए वीडियो देखते हैं। अरे सर, आप चलिए। नहीं नहीं सर, सर आप चलिए। सर मैं कैसे चल सकता? आप चलिए सर, आप चल लीजिए, आपका घर है, पहली चाल आपकी। आप चलिए ना चलिए सर, आप विनर बन चुके हैं मेरी नजरों में। सर ये तो आपका बड़प्पन है सर, आप ही चलिए सर। पक्का मैं चलूं? पक्का? देखो आपके फोर्स करने पे चल रहा हूँ मैं। देखिए, ठीक है? हाँ जी। छक्की बना रहे हैं। अरे मात्र सात मिनट बाद तेरी कटी। साले इसकी भी तो कट रही थी, मिलके खेल रहे हो दोनों, चीटिंग कर रहा है बैन कलंड। बैन पे मत जाइयो। साले इसकी भी तो कट रही थी, दोनों मिलके खेल रहे हो, चीटिंग कर रहा है बैन कलंड। ओए कह रहा है तो ऐड मत दिखा घर की, समझा? सही तो कह रहा है साले, तेरी कट रही थी, भाई थी मत बन, समझा? क्यों ना, मैं खेल ही नहीं। अबे ओ, रेड मेरा है, मैं रेड से जीतता हूँ, मैं रेड लूंगा। चल साले, तेरे बाप का राज है, रेड मैं लूंगा। अच्छा, मैं पिंक लूंगी। अबे ओ, रेड मेरा है यार, मेरे को नहीं पता, मैं रेड लूंगा। वही सुन, रेड ट्यूब से लेके रेड लेबल सब मेरा फेवरेट है, रेड मैं लूंगा। मुझे पिंक चाहिए, मुझे पिंक चाहिए, मुझे पिंक। मान कर शक्ल बंदर के छूटो जैसी लाल, इसका मतलब ये नहीं तू रेड लेगा, रेड मैं लूंगा, समझ आई? इस हिसाब से तुझे येलो मिलनी चाहिए। क्यों? तेरी शक्ल टट्टी जैसी है, ऐसा तो उसको ब्लैक दे दो। रेड रेड मैं लूंगा। यार गोटी एक और छह। अरे यार मेरी खुल ही नहीं रही है। ये खुल गई। अब आएगा तीन, अब आएगा चार। तो भांजो बताओ क्या लेके आऊं? मामा श्री दो ला के दिखाइए। दो। तो बताओ भांजो अब क्या लेके आऊं? मामा श्री
नो ला के दिखाइए। नो तो बताओ भांजो अब क्या लेके आया हूँ। मामा श्री गांड में दम है तो दो पासे से एक ला के दिखाओ। दो पासों से एक मामा क्या, मामा का बाप भी नहीं ला सकता। कटरी काट दे अबे यार क्या कर रहा भाई। मैं तेरे बचपन से रहा हूँ, तेरे बचपन का दोस्त हूँ मैं यार, लंगोटिया यार। आज तू मेरी गोटी काट रहा है भाई, मेरे ट्रस्ट कर, जब तेरी गोटी कट रही होगी ना मैं छोड़ूंगा तेरे को और मिलके ना इसकी काटेंगे। भाई नहीं मेरा यार, एक बारी तो कट रही है यार। एक बात बता, जब तेरे खाने को खाना नहीं था तेरे को खाना किसने दिया? तूने। जब तेरे जेब में पैसे नहीं थे तेरे को पैसे किसने दिए? तूने। और जब तेरे पास प्ले स्टेशन पर गेम्स खेलने को नहीं थी तेरे को गेम किसने दी? तूने। और जब तेरी बीवी को बच्चे नहीं होते उसके बच्चे किसने करे? तूने। अबे अच्छा मतलब वो सब छोड़, आग बंद कर ट्रस्ट कर ले यार, तेरे सर की कसम मैं तेरे को बचाऊंगा। छेदो पे तेरी कट रही है। अरे छेदो पे अंदर भी जा रहा हूँ, छेदो पे तेरी भी कट रही है तो मैं तेरी काट रहा हूँ, चल गान मेरा। चार पांच ओह नो शुरू से मैं चलता हूँ, फर्स्ट मेरी बारी आएगी उसके बाद तुम चलोगे। चक्की तो ऐसे चल रही है। ओ मेरी यूं चलती है, मैं ऐसे ही चलूंगा, चल मैं फर्स्ट चलता हूँ। एक अब मैं फाइनली गोटी खोलूंगा ये। अबे एक से कब से खुलती है गोटी? ओए मेरे मामा को इधर एक से खुलती है, मैं एक से ही खोलूंगा। मेरी बारी आएगी। अबे इसके बाद तो मेरी बारी आएगी ना। मैंने तुम्हें बताया नहीं मेरी चक्की क्यों चलती है, तो मैं ऐसे ही चलूंगा, मेरे को नहीं पता। जस्ट चला तूने अभी जस्ट, तो दोबारा नहीं चल सकता मैं? ओ भाई मिलके खेल रहे तुम लोग, मैंने तुम्हें पहले बताया ऐसे ऐसे खेलता हूँ मैं, मेरे मामा के उधर भी ऐसे खेलते तो मैं ऐसे ही खेलूंगा। ये चार चार की बारी लूंगा मैं। हाँ? चार की बारी। यस चार की बारी कौन सी भाई? अब ओ भाई चार की बारी भी होती है, मेरे मामा के उधर भी ऐसे खेलते हैं, चार की बारी होती है मतलब मैं लूंगा। एक और चार, दो बार चार यानी दो बार और बारी लूंगा अब मैं। ये कौन सी बारी है? पूरा एक चक्कर काट लेना, मैंने चार चार में पूरा चक्कर, अगर दो चार आते हैं ना तो फिर वो पूरा एक राउंड हो जाता है उससे। ये भी तेरे मामा ने बताया होगा ना? हाँ भाई मेरे मामा उधर ऐसे खेलते थे। चार अब तो कट गई तेरी। भाई अच्छा ठीक है कटने की बारी लूंगा मैं। कटने की बारी कब से होती है? कटने की बारी भी होती है, मेरे मामा मेरे को खिलाते तो कटने की बारी मिलती है भाई, तभी कटवाऊंगा वरना नहीं कटवा रहा, वरना वापस रख दे मेरी। कटने की बारी लूंगा तो लूंगा मैं, पहले कह रहा हूँ प्लीज मेरे को नहीं बता। अबे रुक रुक साले तेरी तो तीन गोटी है। अब तो मेरी एक गोटी विक्ट्री हो गई ना साले, गेम तो अब शुरू हुई है। अच्छा वो ये क्या, एक गोटी रख साले फिटर। ओ भाई ये ना मेरी पीछे थी, वो हाथ से लग के मेरी शायद आगे हो गई। चल साले मैंने तीन बार देखी तेरी यही थी ये। तेरा से पहले छह आया था? हाँ यहाँ था तू, उससे पहले मेरा था पांच। भाई मेरा पांच जब यहाँ आया और तेरा छह आया तो हिसाब से मैं यहाँ हूँ ना। माँ कसम खाइये तू साले, तेरी माँ कसम। देख मियाँ खलीफा है कहाँ? पीछे पीछे पीछे। भाई क्या मस्त लग रही है देख रहा तू? अरे गई 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 गई। अबे ये क्या साले तेरी तीनों गोटी अंदर कैसे आई? यहाँ था मैं, मेरा दो बार छह आया, फिर यहाँ था मैं, मेरा सात बार छह आया, उस वजह से मैं अंदर आया हूँ यार। तेरा ध्यान कहाँ है भाई? खेलना है खेल, वरना मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट साले तेरी एक गोटी कहाँ गई? अरे वो मेरी होगी थी ना यहाँ से क्लियर, जब छह दो एक साथ आया था तब मेरी निकल गई थी। और भाई फेयर गेम खेला कर, चीटिंग मत किया कर, समझ आई? फिर से मियाँ खलीफा। तो दोस्तों ये
थी वीडियो टाइप्स ऑफ लूडो प्लेयर। वीडियो बहुत कमाल की थी, हर्ष बेनीवाल ने बहुत कमाल की एक्टिंग की है इसमें। इवन मुझे लगता है ये इस गेम को बहुत ही पर्सनली फील किया है, क्योंकि पर्सनल फील करने के बाद ही आपको समझ आता है कि लूडो में ऐसे 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 लोग होते हैं। जो टाइप दिखाए गए आपको कौन सा टाइप पसंद आया? अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो जो मुझे रिलेट करेगा वही टाइप, क्योंकि हम लोग जनरली उन्हीं चीजों को प्रीफर करते हैं जो हमसे रिलेट करती है। और मुझसे रिलेट कर रहा था वो धोखेबाज वाला और वो चीटिंग वाले, जस्ट बिकॉज मैंने पर्सनली किया है। कि मैं मम्मी को अभी भी बोलती हूँ पापा को प्लीज यार आप मेरी गोटी नहीं कर सकते, आप मेरे भाई हो ना, आप मेरे पापा हो ना, आप मेरी मम्मी हो ना। और उसके बाद फिर ये होता है कि तू मेरा अच्छा दोस्त है ना, तू मेरी गोटी नहीं काट सकता। और नेक्स्ट कई बार मैं अपनी गोटी भी छुपा देती थी। यार मुझे तो शकुनी मामा जो शकुनी दे रहा हूँ लूडो, ऐसा होता है कुछ लूडो प्लेयर्स होते हैं कि वो एकदम होते छह और छह आ जाता है, एकदम होते चार तो चार होते हैं। यार वो क्या एक्टिंग कमाल की है, मतलब इवन लास्ट वाला दो डाइस से ना रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, व्हाइट पे रेड का डॉट जो दिखाया ना, मतलब वो मतलब कहते ना कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था मेरे लिए तो। मतलब मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। यार मुझे वो रोलू वाला कैरेक्टर बहुत सही लगता है, कैसे वो रो रहा होता है। हमारे दोनों इधर से जाएंगे ऐसा होता है। मैंने गेम खेल रही है, मेरा लूडो है, खेलना है तो मेरे तरीके से, नहीं तो मैं लूडो पैक कर ले जा रहा हूँ। ऐसे बच्चे होते हैं अपना लूडो लेकर आते हैं, हाँ चार चार से मैं जीत गया, फिर नहीं भाई नहीं खेलना मैं जा रहा हूँ। चार के बाद भी उसने चांस मिल लेगी उसको, दूसरे ने उसकी घोड़ी काटी तब भी उसको चांस मिलेगी। यार जब ऐसे होता जब क्रिकेट भी खेल रहे होते ना जिसका बैट होता था, मैं जा रहा हूँ मैं आउट हो गया मैं बैट लेके जा रहा हूँ, कहते भाई तू एक और चांस ले खेल। आपको मूवी का नाम पता तो प्लीज कमेंट करके बताया मैं वो मूवी, बट वो कमाल का था जो भी था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंड नाइटी को सब्सक्राइब करें और हर्ष बेनीवाल के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो थी हर्ष बेनीवाल के ऊपर, अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर हम हर्ष बेनीवाल की वीडियो को और भी लाइक करें या किसी आपके पर्सनली जिसको आप पसंद करते हैं उस यूट्यूबर की वीडियो पे भी आप चाहते हैं हम रिएक्शन दें तो प्लीज उसका लिंक आप हमें कॉमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ भी ऐसा है जो आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फील फ्री टू टॉक, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और प्लीज आप कमेंट करके हमसे जो भी चाहें शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हम हर बार कमेंट्स आते हैं और कंटिन्यूस आते हैं बट हम कई बार रिवर्ट नहीं कर पाते, प्लीज उसे पर्सनली मत लीजिएगा क्योंकि थोड़ा बिजी होता है, हर कमेंट पे रिप्लाई दे पाना थोड़ा टफ हो जाता है। बट पर्सनली आपको जो भी लगता है आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, रहते ना लिंक या कोई भी अपना पर्सनल इंसिडेंट कुछ भी ऐसा है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो और सच में आपको लगता है कि कुछ भी एंटरटेनिंग है, सो फील फ्री टू कमेंट एंड वी लव टू सी दैट और कीप सपोर्टिंग अस। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।